हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फैन टू प्ले फैंटेसी मैच रिव्यू। दिस इज फॉर द बिग गेम, मुंबई वर्सेस गुजरात। हार्दिक इज कमिंग बैक होम एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच आउट फॉर। निखिल भाई, क्या लगता है, आपको कितने रन बनाएंगे हार्दिक, एंड क्या इम्पैक्ट रहेगा उनका इस बिग गेम में, नॉट यार ओनली ऑन द हार्दिक पिच बट ऑल्सो टैक्टिकली। टैक्टिकली तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, और हार्दिक कमिंग होम सुन के थोड़ा अजीब लगता है, बट इट इज व्हाट इट इज। और अगेन गुजरात वैसे खेली है जैसे मुंबई हमेशा खेलती आई है, मीन मुंबई वेर एट देयर बेस्ट। तो आई थिंक टैक्टिकली काफ़ी अच्छा गेम होना चाहिए बोथ साइड्स के लिए। दे नो ईच अदर इनसाइड आउट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे फंक्शन, तो वेरी कीन टू सी। और हार्दिक का देखो, जब आपके पास 7 बॉलर हो और सातों चार रोल डालने वाले हो, तो देन यू हैव ऑप्शन प्लेंटी। तो आई थिंक SL में लगेगा कि स्ट्रेट गेम है, पर एक्चुअली स्ट्रेट गेम नहीं है क्योंकि ये वांकड़े है। और अगर यहाँ पे कोई एक बॉलिंग अटैक जो मुझे लगता है चेस करते हुए किसी को रोक ले, तो वो गुजरात है। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। यस, इंटरेस्टिंग सेटअप। एंड हम प्रीव्यू शुरू करें, उसके पहले इंश्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। एंड अब चलते हैं वेन्यू कंडीशंस की तरफ। सो द मैच इज एट वानखेड़े, जहाँ बहुत सारे सिक्सेस लगेंगे। ग्राउंड डायमेंशन तो आपको दिख ही रहे हैं, 74-65 मीटर। स्क्वायर बाउंड्रीज भी काफी शॉर्ट एट 62 मीटर्स, वाइल वन साइड इवन शॉर्टर स्ट्रेट एट 58 एंड 54। सो लॉट्स ऑफ सिक्सेस हैज बीन द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस, एंड हम कुछ भी अलग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो। सर, एनी थॉट, डू यू थिंक दैट बाय एनी चांस द पिच विल ड्राई आउट, क्योंकि बहुत गेम्स हो गए हैं यहाँ पे, बट लास्ट गेम तक तो ऐसा कोई साइन नहीं दिखा हमें। आई मीन स्लो होगा थोड़ा, पर वही है कि कितना होगा। देखो चेन्नई का पिच सडनली स्लो हो गया, तो वेरी कीन टू सी वेदर। और मुंबई में कुछ कुछ गेम्स में स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिली है, तो वेरी कीन टू सी इफ दैट टैकीनेस इज देयर। तो फर्स्ट इनिंग्स में तो होती है वैसे भी, वेरी कीन टू सी अगर सेकेंड में नहीं है, और अगर गुजरात इज बोलिंग सेकेंड, तो कितना स्कोर पहले वो खड़ा करती है, क्योंकि देन देयर मेन वेपन्स नूर एंड राशिद इन द मिडिल ओवर्स, और दिस इज द कॉन्टेस्ट बिटवीन द मिडिल ओवर्स ऑफ मिडिल मिडिल ऑर्डर बैटर्स ऑफ मुंबई वर्सेज द मिडिल ओवर्स बॉलर्स ऑफ गुजरात, क्योंकि दैट्स वेयर गुजरात हैव वन एंड मुंबई हैव ऑल्सो वन। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर ड्यू नहीं है तो गेम एकदम अलग है, पर ड्यू है तो फिर देन हार्दिक हैज टू यूज एवरी पेसर, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यस अगेन, पिच रिपोर्ट क्रूशल टू वॉच आउट फॉर। एंड लास्ट गेम में भी हमें लगा ड्यू है, ड्यू था भी। हसरंगा ने 50 रन अपने बाहर भी दिए बॉल के साथ, बट फिर भी 2 विकेट ले लिए। सो विल बी इंटरेस्टिंग कि कौन से ऑप्शन आप उठा सकते हो। तो चलते हैं बेस टीम की तरफ। स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे हमने लिया हुआ है दोनों कीपर्स को। दोनों आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में काम करके दे देंगे, एंड अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में मूवमेंट नहीं हुई तो 20-30 रन कंफर्टेबली आ जाएंगे दोनों तरफ से, प्लस कीपिंग पॉइंट। सो नो पॉइंट टेकिंग अ रिस्क इन दिस सेक्शन। स्पेशली मेनी पीपल वुड बी टेम्प्टेड कि हम साहा पे रिस्क ले लें, क्योंकि ही प्लेस शॉट आफ्टर शॉट, बट हमारा कंसर्न ये है कि डज द मुंबई बोलिंग हैव द पावर और द प्रावेस टू स्टॉप हिम अप टॉप। क्योंकि अगर बेरेंडोफ का वो पहले ओवर में वो नहीं आउट हुए, तो फिर वो आपको 20-25 रन और 3 कैच दे ही देंगे। तो ये है कीपिंग सेक्शन से। एंड बैटिंग से हमारी पिक्स काफी ऑब्वियस है, इन सूर्या, शुभमन एंड डेविड मिलर। ऑब्वियसली मिलर का फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, बट ऐसे ग्राउंड पे नहीं तो और कभी। बिल्कुल, और गुजरात भी चाहेगी उनको थोड़ा समय देना इन द मिडिल, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टीम्स टू डू। चेन्नई भी पुस्ट मोइन अली अबाव शिवम इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस्टरडे, तो यू विल सी दैट हैपनिंग कि जो जिनको बैटिंग कम मिली है उनको दे विल वॉन्ट टू पुश अप। तो मिलर एंड अगेन वेन्यू भी ऐसा है कि बेस्ट वेन्यू फॉर हिम टू कम गुड, तो बिल्कुल अगर आपको चाहिए तो आप उसको ड्रॉप करके, देर आर अदर ऑप्शन, नेहल वगैरह बहुत There बढ़िया are है। two Davids in the finishing section that you can pick. बिल्कुल, एंड सी दैट्स द थिंग, बहुत विकल्प है यहाँ पे, आपको आपकी गटफील पे जाना है कि ये जैसा वेन्यू है, जैसे मैचेस हुए हैं, आपको किस टाइप के बैटिंग को प्रेफर करना है। जैसे अ टिम डेविड इज फार मोर वैल्यूएबल अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ छक्के आएंगे मारेंगे छक्के मारेंगे आउट हो जाएंगे, बट गुजरात वोंट बी एन ईजी साइड टू हिट दोस अगेंस्ट, और वो बोलिंग भी वैसी मैचअप बचा के रखेंगे कि उनके लिए ईजी ना हो। तो हाउ डज टिम डेविड गो, हाउ डज नेहल वगैरह इफ ही कम्स इन, नाउ टीम्स विल बी रेडी, दो गेम हो गए, इनफ टाइम है फॉर एवरीबडी टू मेक नोटिस। तो अभी भी है, लेकिन आप देखें गुजरात के टीम में एक ही अगर आप देखें तो ऐसा है कि ऑफ स्पिनर नहीं है कोई,
तो जयंत यादव इम्पैक्ट सब में हो सकता है, बट अगेन ही इज नॉट एन अटैकिंग ऑप्शन. आई एम वेरी कीन टू सी साई किशोर प्लेस. शायद वानखेड़े वो जगह ना हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू कम इनटू द पिक्चर वेरी सून. Yes, some very interesting picks available for you in the batting section and on the bench. And before we get to the all-rounder section, remember to also pick, make your picks on Rario. The big game is coming. Yahan pe aapko mil jayega 3.2 lakhs ka first prize bronze contest mein and silver contest mein 1 lakh ka first prize. This is the Rajasthan versus Bangalore game jo aayega Sunday ko. To 69 ka sign-up bonus hai. Link in the description and saath saath 16.8 lakh ke free rewards har practice contest mein in all games. So ensure that you participate there and अब चलते हैं बाकी की base team की तरफ. तो all rounders में हमने pick किए हैं दोनों obvious choices in Cameron Green and Hardik Pandya. उसके अलावा I don't think ऐसा कोई tempting pick होगा आपके लिए. विजय शंकर को pick कर रहे हैं but उनको मौका नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट शंकर, अभिनव मनोहर एंड तेवटिया, इवन दो देयर फॉर्म हैज बिन गुड, उनको ज्यादा मौके मिल नहीं रहे बिकॉज देयर बैटिंग हैज बिन गोइंग गुड. सो अनलेस यू सी की कोई एक्सट्रीम बोलिंग कंडीशन हो, देयर इज नो पॉइंट टेकिंग द चांस. वाइल बोलिंग में हम गए शमी, राशिद, चावला एंड बेरेंडॉफ के साथ, चारों काफी ऑब्वियस चॉइसेस. बिल्कुल, अगेन ज्यादा वहां पे मस्ती करके मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये एटलीस्ट ये चार जो बॉलर हैं ऐसे हैं जो चार चार ओवर डालेंगे. जोसेफ को लेने का मन बहुत करता है, बट या हार्दिक ने पिक नहीं किया होगा तो फिर अपन कैसे उसको पिक कर सकते हैं. तो दैट इज क्रूशल. बट अगेन जैसे मैंने बोला, मे बी बोलिंग सेकेंड, अगर मिडिल ओवर्स में उसको चाहिए कि यार मेरे को स्काई, नेहल, टिम डेविड इन सबको अटैक करने के लिए अल्जर जोसेफ लगेगा, तो ही कुड वेरी वेल बी दैट गाय. तो वेरी कीन टू सी उनका यूसेज कैसा है. उसके अलावा ये चार आपको सभी के टीम में मिलेंगे और उसमें कोई डाउट नहीं. यस एंड उसके अलावा फॉर्म वर्सेस मैचअप्स जो है इस गेम में, चावला 3 बार आउट कर चुके हैं साहा को, बट स्ट्राइक रेट काफी हाई है वहां पर, 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं वो चावला के सामने. वाइल डेविड मिलर को भी वो 2 बार आउट कर चुके हैं, वहां पे स्ट्राइक रेट काफी कम है, सिर्फ 90 का. याद रखना कि जब मिलर की एंट्री पॉइंट होती है तभी चावला की बोलिंग भी स्टार्ट होती है. तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या वो उनके सामने स्लो स्टार्ट करेंगे या वो विकेट स्ट्राइक हो जाएगा. वाइल रोहित वर्सेस राशिद एंड रोहित वर्सेस शमी आर दी अदर टू बिग मैचअप्स. ऑब्वियसली राशिद तो थोड़ा लेट आते हैं बट शमी के सामने भी वो 2 बार आउट हो चुके हैं एंड स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 का है. सो सम वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप्स फॉर यू टू वॉच आउट फॉर इन दिस गेम. बिल्कुल बिल्कुल. और जस्ट टू ऐड सम मोर डेटा अगर आपको चाहिए तो इन दोनों टीम्स में मिलर का एवरेज 53 वर्सेस मुंबई, जो इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर. एंड अगेन इफ ही गेट्स द राइट टाइम राइट एंट्री पॉइंट, आई एम श्योर ही विल बी वेरी कीन टू मेक एन इंपैक्ट. Yes, it'll be interesting to watch. And before we get to the Grand League picks, remember ki jo final team hai, wo Telegram channel par hi aayegi. Link hai description mein, to jaldi se join kar lijiye. And ab chalte hain Grand League options ki taraf. Grand League options, sir. Sir, to main to Rohit Sharma ko back karte jaunga. I think ek bada knock to aa raha hai, pata nahi kab. बाकी की टीम तो पूरी आपकी सेट है, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं. तो शायद मैं टीम वन में मे बी ना लूँ या ले लूँ अगर वो चेस कर रहा है तो, वो चेस कर रहे हैं तो. पर किसी 2-3 टीम में तो मैं रोहित को डेफिनेटली कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के छोड़ूंगा, क्योंकि आई फील अ बिग नॉक इज ड्यू एंड अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है. पर हाँ, जैसे मैंने कहा, आपको मिनी जेल टीम में भी रिस्क लेना है तो मत लेना, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल. आपके पास विकल्प बहुत है, यू हैव नेहल, यू हैव टिम डेविड, यू हैव, अगर आपको कोई एकदम प्रॉपर जय माता दी जाना है तो आपके पास, अगर कोई बॉलिंग भी चेंज होता है, जॉर्डन के साथ जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि एक गेम आएगा जब वो भाई 3-4 विकेट भी लेगा, 15-50 हज़ार कैचेस भी ले लेगा, रनआउट भी करेगा, तो वो भी आएगा. सो यू कैन गो एज पर योर विजुअलाइजेशन. दूसरे जो मेरे पिक है वो होंगे मोहित शर्मा. अगेन लॉजिक ये है कि एंड में बॉलिंग कर रहे हैं वो, और किसको बॉलिंग मिले ना मिले, उनको 2 ओवर तो मिल रहा है और उनको 2 ओवर टूवर्ड्स द एंड ही मिल रहा है. तो अगर उनका इस्तेमाल वापस वैसा होता है तो आई थिंक मोहित शर्मा इज अ ग्रेट ऑप्शन टू ट्राई. ऑल्सो हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इज अगेंस्ट मुंबई, उनका सबसे ज्यादा विकेट मुंबई के खिलाफ ही आए. तो अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक, क्योंकि सेकेंड बॉलिंग करते समय मोहित को बैक करना प्रॉपर जय माता दी होगा, बट इफ इट वर्क्स आउट तो इट विल गिव यू अ वेरी हैंडी लीड ओवर अदर्स. Yes, some very interesting choices there. My picks are a little more left field in this game. My picks for Mumbai, if they are batting first, is Tim David. मुझे लग रहा है जो डेथ बोलिंग है, वाइल अगर मोहित चल गए, थोड़ी सी हेल्प हुई ट्रैक में, तो फिर मे बी वो डेविड का दिन ना हो, बट जैसे ही ट्रैक रहा है काफी फ्लैट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि टिम डेविड बैटिंग फर्स्ट कैन मेक ग्रेट इम्पैक्ट.
एंड माई चॉइस फ्रॉम गुजरात इन द चेस. वी नो ही प्लेस पेस वेल एंड वी नो दैट इफ चावला हैज अ डे आउट देन राहुल टेवटी हैज इम्पैक्ट एज अ फिनिशर विल बी बिग. सो ही विल बी माई पिक फ्रॉम गुजरात बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि चावला हैज पॉजिटिव मैचअप्स हैज अ गुड डे अगेंस्ट द राइट हैंडर्स एंड मिलर देन इट मीन्स दैट टेवटिया शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस गेम. सो जस्ट बैकिंग द लॉजिक देयर. ऑब्वियसली आप बेस टीम में ऐसे प्लेयर को नहीं ले सकते हो क्योंकि अगर उनकी बैटिंग नहीं है तो आपके लिए स्लॉट वेस्ट है. बट करेक्ट, जीएल इज दैट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ट्राई आउट. सो हेंस आई एम बैकिंग हिम. बिल्कुल। और आई होप आपने सुना और पढ़ा भी है कि ग्रैंड लीग ऑप्शंस है, तो टिम डेविड, राहुल टेवाटिया, मोहित शर्मा, रोहित शर्मा, दे आर ऑल नॉट योर कॉमन बेस टीम ऑप्शंस। चारों में से कोई भी नहीं है वैसा देखा जाए यस तो प्लीज बी वेरी श्योर ऑफ योर विजुलाइजेशन। और यस, चेजिंग राउंड तो है बट खेलने का मजा भी वही है जब आप कुछ अपना खुद का ट्राई करो। यस एंड यही जो पिक्स हैं जो हमने अब ग्रैंड लीग ऑप्शन में मेंशन किए वो एक्सचेंज 22 पर भी अच्छे प्राइस पर हैं. तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा गट फील उस तरफ है, लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द डेडलाइन तभी जाके पिक्स करना क्योंकि तभी इनमें से कुछ पिक्स डिस्काउंट पर भी रहेंगे. तो 15 मिनट बिफोर आप चले जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. आपको KYC पे ₹50 रियल कैश भी मिल जाएगा. ये रहा हमारा आज का प्रिव्यू. थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन एंड प्लीज याद रखिएगा कि दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. सो प्ले रिस्पॉन्सिबली, संभाल कर खेलिए एंड लाइक ऑलवेज जो सारे ऐप लिंक्स के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे फ्री कॉन्टेस्ट है तो आपको पेड कॉन्टेस्ट नहीं खेलने तो जाओ फ्री में खेल लो. एंजॉय एंड हैव अ गुड गेम. कीप विनिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।